हेलो स्टूडेंट, आज आप फिजिक्स का एक नया एक्सपेरिमेंट करोगे। उसका एम होगा टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस यूजिंग सोनोमीटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में हमें सेटअप में क्या क्या एपरेटस रिक्वायर्ड होगा। तो ये आपका सोनोमीटर हो गया, इसमें एक सॉफ्ट आयरन वायर लगी हुई है और ये हैं आपके दोनों वेज बोलते हैं, और ये मीटर स्केल है दोनों साइड में इन वेज के बीच की डिस्टेंस को नोट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो ये वायर से, ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इससे आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इससे आपको कनेक्ट करना है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस सॉफ्ट आयरन वायर से 2 या 3 mm ऊपर रखना है। ठीक है, और ये हो गया आपका हैंगर, ये हो गया आपका हैंगर, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेट लगे हुए हैं। ये हर एक वेट का वेट वज़न है 500 ग्राम, एक वेट का वज़न है 500 ग्राम, और ये हो गया आपका एक हैंगर है, इसका वेट भी कितना है 500 ग्राम। तो अभी मैं एक वेट और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, तो अभी मैं 1000 ग्राम वेट से स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने इसको सेट कर लिया, और इन वेज को हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट से 2 या 3 mm ऊपर रखना है, वायर से इलेक्ट्रोमैग्नेट को 2 या 3 mm ऊपर रखना है। ठीक है, अब मैं इसकी सप्लाई को ऑन करता हूँ, और जहाँ पे मैक्सिमम वाइब्रेशन होंगे वहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को नोट करना है। ठीक है, ये आपके मैक्सिमम वाइब्रेशन है। इस टाइम पे आपके जो डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको नोट कर लेनी है। तो एक बार मैं अभी क्या गया था, दोनों बैज को मैंने मिला लिया था और बाहर की साइड आउटवर्ड गया था, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वाइब्रेशन को नोट करना है। इसके बाद करना क्या है, हमें इन बैज को बिल्कुल बाहर की साइड में रखना है, एक बार हमें इनवर्ड, ये हो गया, ये डिस्टेंस है, एक बार इनवर्ड और एक बार आउटवर्ड, दोनों के बीच की डिस्टेंस को नोट करना है। इसके बाद अभी मैंने वेट कितना लिया था, अभी लिया था मैंने 1000 ग्राम्स। इसके बाद मुझे वेट को बढ़ाना पड़ेगा और सेम प्रोसीजर को रिपीट करना पड़ेगा। एक बार इनवर्ड और आउटवर्ड, दोनों पे जहाँ पे भी मैक्सिमम वाइब्रेशन हो रहे हैं इन वेज के बीच की डिस्टेंस को नोट करना होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम वाइब्रेशन हो रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को नोट करना पड़ेगा। ये अभी आउटवर्ड है, इसके बाद हम मैंने इसको बिल्कुल बाहर की साइड में रखा और धीरे धीरे मैं अंदर की साइड लेके आऊँगा इनको। तो ये हो गया आपका, ये मैक्सिमम वाइब्रेशन हो गए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को नोट करना है। यही प्रोसीजर आपको नेक्स्ट वेट के लिए करना है, डिफरेंट डिफरेंट वेट के लिए आपको रिपीट करना है इनवर्ड और आउटवर्ड में, इन वेज के बीच की डिस्टेंस को नोट करना है जहाँ पे आपके मैक्सिमम वाइब्रेशन होंगे। अब हम उसकी कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन में ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल दे रखी है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल दे रखी है। ऑब्जर्वेशन टेबल में आपकी ये होना चाहिए, लेंथ ऑफ द वायर, जो ये आपका सॉफ्ट आयरन वायर लगा है इसका हमें मास पर यूनिट लेंथ चाहिए, मास पर यूनिट लेंथ चाहिए। ठीक है, तो इसका लेंथ मेजर कर लोगे और हमें इसका वेट मेजर कर लोगे। मैंने कर रखा है इसका, इसका लेंथ और वेट, इसका लेंथ है 161.5 सेंटीमीटर और इसका वेट है 3.52 ग्राम्स। इससे हम मास पर यूनिट लेंथ जब निकालोगे तो वो कितना आएगा, 0.02179 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है,
और मैंने इसकी रीडिंग को नोट किया था, तो वो रीडिंग आई थी 1000 पे, जब मैंने वेट लिया था 1000 ग्राम्स, तो रीडिंग आई थी हमारी 7.4 माइनस 36, तो ये रीडिंग हो जाएगी आपकी 34। आउटवर्ड की जो लेंथ आई थी मेरी कितनी आई थी, 34। ऐसे जब मैंने आउटवर्ड किया था तो मेरी रीडिंग आई थी 70 माइनस 36, तो ये रीडिंग आगे आपकी आ गई थी 34। ठीक है, अब इन दोनों का आपको मीन लेना पड़ेगा। मीन लेने के लिए आपको मीन कितना हो गया 34। इसके बाद आपको फॉर्मूला दे रखा है एफ इजिकल टू 1/4 L। L क्या हो गया, इनवर्ड और आउटवर्ड जो दोनों डिस्टेंस थी उन दोनों का मीन। ठीक है, उन दोनों का मीन कितना, मीन हो जाएगा। और कैपिटल M है जो आपने मास हैंग किया है, जो हमने वेट लिया था, कितना वेट लिया था अभी हमने 1000 ग्राम्स, तो ये कितना हो जाएगा 1000 ग्राम्स। और G की वैल्यू है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। यूनिट हमें सेम रखनी पड़ेगी, कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हम यहाँ पे M की वैल्यू किस में ले रहे हैं, ग्राम्स में, तो इसको भी हमें किस में लेना पड़ेगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और M क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ। तो हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, F इजिकल टू 1/4 × 334, और रूट में हो गया कितना वेट कितने लेते हैं हमने 1000। इसके बाद G की वैल्यू कितनी हो जाएगी 980, और M कितना था निकल के आया था हमारा, ये रहा M 0.02179। जब हम इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 449.022 हर्ट्ज़। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी कितने पे, 1000 ग्राम्स पे। अब इसको हम रिपीट करेंगे 500 ग्राम और वेट बढ़ाएंगे तो ये 15 पे ये करेंगे रिपीट, तो सेम यही होगा। फिर इसके बाद हमें 2000 पे निकालना है, फिर हमें मतलब दो या तीन चार रीडिंग आपको निकाल लेनी है, और तीन चार फ्रीक्वेंसी जब निकल के आएंगी उसका हमें मीन ले लेना है। मीन फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पे, और मीन फ्रीक्वेंसी को हमें स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। ठीक है, इससे हमें इससे परसेंटेज एरर निकालना है, तो ऑलमोस्ट लगभग सेम ही आ रही है ये, तो इस तरह से आपको ये परफॉर्म करना है।